शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आप जान ही रहे हैं कि आजकल हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें व्यक्तित्व के परीक्षण के बारे में बात की जा रही है। उस व्यक्तित्व के परीक्षण के संदर्भ में आज हम व्यक्तित्व परीक्षण के उपकरणों के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। कहने के लिए हम अंतिम पड़ाव पर हैं, वास्तव में अभी तक व्यक्तित्व के बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनको हमने नहीं देखा है, न सुना है, न जाना है, लेकिन फिर भी हमारी कुछ अपनी सीमाएं हैं जिसके कारण हम उससे बंधे हुए हैं और उतने पर ही चल रहे हैं। आगे बात करते हैं, आज व्यक्तित्व के परीक्षण के संदर्भ में जो आज का महत्वपूर्ण परीक्षण है उसमें कुछ हैं जिनका परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। CAT पहला है चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट, अर्थात बाल अंतर्बोध परीक्षण। जैसे आपने इसके पहले वाले वीडियो में थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट देखा था, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को देखा था, उसी प्रकार इसे जो है चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट नाम दिया गया। लेकिन इसकी जो लिमिटेशन थी, यह 3 से 10 वर्ष की बच्चों 10 वर्ष के बच्चों के ही व्यक्तित्व का परीक्षण करता था। इसके निर्माता लियोपोल्ड बेलाक थे, जिन्होंने 1949 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था। इसमें कुल दस कार्ड होते हैं और इन 10 कार्डों में क्या होता है, बालकों के लिए बनाया गया है। तो बालक जान ही रहे हैं, बालक मनुष्य व्यवहार, मानव व्यवहार में कम रुचि लेते हैं, बल्कि जानवरों के व्यवहार में ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो इसमें जो है, इसीलिए ब्लैक महोदय ने विभिन्न परिस्थितियों में जानवरों के व्यवहार वाले 10 कार्ड दिखाए बनाए हैं, और 10 कार्ड विकसित करने के पश्चात उन्होंने बताया कि इन 10 कार्डों को क्रम से बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या दिखाई दिया, कैसे दिखाई दिया। तो स्पष्ट रूप से समझाते हैं, जो उनकी बातें होती हैं उनको नोट करके उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। अब दूसरी बात करते हैं SAT। SAT भी बेलाक महोदय द्वारा ही विकसित किया गया सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट है। इसमें सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट नाम से ही स्पष्ट है कि यह 50 वर्ष से अधिक लोगों के लिए था। इसमें जो चित्र बनाए गए थे उसमें 16 कार्ड दिए गए थे, 16 कार्डों पर विभिन्न परिस्थितियों के मानवीय व्यवहार वाले चित्र थे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 16 कार्ड थे लेकिन 16 कार्ड हैं 16 पर विभिन्न परिस्थितियों के मानवीय व्यवहार वाले चित्र थे। क्यों मानवीय व्यवहार वाले चित्र थे, अब आप सोच ही सकते हैं, 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों पर बना है, इसको प्रशासित करना है, उनके व्यक्तित्व का अध्ययन करना है, तो इसलिए इसमें मानवीय व्यवहार को रखा गया, क्योंकि 50 वर्ष में अनुभव हो जाता है, व्यक्ति अच्छी तरह जानने लगता है और उनके सहारे अपनी जो बात है उसको व्यवहार चित्रों के सहारे प्रकट करता है, तो उसके व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जाना जा सकता है। आज का तीसरा जो महत्वपूर्ण परीक्षण है उसके संदर्भ में हम बात करते हैं, तो उसका नाम है वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। जो सिंपल सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, 1940 में रोहडे और हाइड्रेथ महोदय ने दिया था। उसमें क्या था कि इसमें इन्होंने कुछ वाक्य बनाया, वाक्यों में खाली जगह दे दिया कि खाली जगह में भरिए, उसके आधार पर व्यक्तित्व के परीक्षण को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया था। अब इनकी बात करते हैं चौथे नंबर पर, जो आज का परीक्षण है वो 16 PFQ है। 16 पर्सनावली कारक, व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर। आप कैटल के विशेषक सिद्धांत में हमने बताया है, विशेषक सिद्धांत के समय हमने बताया था, लेकिन यहाँ फिर भी बता देते हैं कि कैटल ने 1940 ईस्वी में 16 द्विध्रुवीय विशेषकों को चिन्हित किया था। किसे? 16 द्विध्रुवीय विशेषकों को। द्विध्रुवीय इसलिए कहा गया कि एक विशेषक, दो विशेषक, तीन विशेषक जो रखे जाते हैं उनके दो ध्रुव वाले विशेषक माने गए। जैसे कोई व्यक्ति उत्साही है, अगर व्यक्ति चरम पर उत्साही है या उत्साही के उत्साह के संदर्भ में वह बहुत चरम पर है, तो दूसरी तरफ वह एकाकीपन में बहुत नीचे होगा, बहुत कम होगा। इसी प्रकार पांचवा और आज का अंतिम है बेल समायोजन सूची। बेल समायोजन सूची का निर्माण 1934 ईस्वी में किया गया है।
और यह चा यह बेल के द्वारा ही किया गया, इसीलिए इसका नाम बेल समायोजन सूची था। और इसमें कुल 140 पद थे। 140 पदों में गृह से, स्वास्थ्य से, सामाजिक स्थिति से और सामयिक स्थिति से संबंधित कथन रखे गए थे और उसमें बालक व्यक्ति को अपनी राय रखने के लिए कहा गया था। तो इस प्रकार से हम जो है व्यक्तित्व के प्रकरण के संदर्भ में अब एक अंतिम पड़ाव तक पहुँचे हैं। टेट, सी टेट, यूपी टेट और जो नेट के लिए थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक है, 90% हो गया है। तो इस तरह से हमने जो कुछ भी देखा व्यक्तित्व के संदर्भ में, आपसे अनुरोध है कि इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और इसको जो है सब चैनल जो मेरा है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बेल आइकन को दबा लेंगे तो जिससे वीडियो जितना नया जाएगा, जब भी नई जानकारी हम अपलोड करेंगे तो आपको सूचना मिलती रहेगी, और लोगों तक पहुंचाइए भी, जिससे कि लोग जाने और मैं भी जो आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ वह भी कुछ सार्थक हो। धन्यवाद, नमस्कार।